इस कॉलोनी को उन्होंने एक गांव से बदतर बना रखा है। यहीं से आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, इस रोड पे ही आपको सबसे पहले खड्डा ये देखेंगे जो बापूधाम की मेन रोड है। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 3 सेक्टर 24। यहाँ के जो पार्षद हैं वो हैं मिस्टर दिलीप शर्मा जो बीजेपी पार्टी से हैं, और अभी हम आपको वार्ड के अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या वार्ड की समस्याएँ हैं और पार्षद जो है वो कितने काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके निवासी हैं, उनके वार्ड के निवासी कितने, उससे ज़्यादा सब कुछ। आइए चलते हैं वार्ड। प्रशासन की तरफ से भी समस्या है और पार्षद की तरफ से भी समस्या है। अब पार्षद की बात करें कि यहाँ से वार्ड नंबर 3 से भाजपा का पार्षद जीता है दिलीप शर्मा, और उसके जब से जीते हैं ना तो साफ सफाई है, सीवरेज के हालात देखो, जगह जगह बदबू फैली हुई है। इस कॉलोनी को उन्होंने एक गांव से बदतर बना रखा है। ये कमेटी सेंटर है, कमेटी सेंटर की हमने पहले भी कंप्लेंट की थी, आज 1.5 साल हो गया इसको बंद हुए हुए रेनोवेशन के नाम से, ना फंक्शन होता है, कोई अपना इनका जानकार है तो उनके फंक्शन भी हो जाते हैं, सब काम हो जाते हैं ये, लेकिन अगर कोई आम आदमी जाता है कॉलोनी का मतलब की तो उसकी बुकिंग नहीं होती है, तो ये भी कॉलोनी वासियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि दूर जा करके करना पड़ रहा है। तो कमेटी सेंटर की समस्या है, साफ सफाई की है, यहाँ तक कि नशा भी बढ़ गया है इनके राज में। साफ सफाई की आप एक बार घूम करके देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि पार्कों में भी गंदगी पड़ी हुई है। आज से 9 महीने पहले की मेरे पास फुटेज है, मैं वो भी आपको दूंगा, वो आज तक वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। बाढ़ में तो जी देखो सब ठीक ठाक तो नहीं है, बाढ़ में जब से यहाँ 7-8 साल से भाजपा का पार्षद है और भाजपा के ऊपर रहमो करम पे जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं नगर निगम में या स्टेट ऑफिसर या यहाँ राज्यपाल महोदय, तो वो यहाँ विकास अगर चाहते तो आज विकास होता बापूधाम के अंदर, काम के ले लीजिए या विकास के ऊपर शून्य है बिल्कुल। किसी भी मोड़ पे आप विकास के जो काम करेंगे, यहाँ साफ सफाई का काम करेंगे, आप जहाँ बैठे यहीं से आप मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं, इस रोड पे ही आपको सबसे पहले खड्डा ये देखेंगे जो बापूधाम की मेन रोड है, जो चौकी से लेकर के और 3 फेज के आन तक जाती है और मेन रोड है पूरे बापूधाम की, जहाँ से दुनिया सुबह शाम तक हजारों की तादाद में गुजरती है। सुबह के टाइम पर यहाँ बच्चे साइकिल से अपने स्कूल जाते हैं, रिक्शे से जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, उनमें पानी भर जाता है, छींटे हैं, उनकी वर्दियाँ ख़राब हो जाती हैं और उन्हें फिर स्कूल में डांट खानी पड़ती है, लेकिन उस पर किसी ना प्रशासक का यहाँ ध्यान है और ना ही आगे MC पार्षद का ध्यान है।